पिताजी क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। फिर उसके बाद मैं करूँगा ट्रेनिंग जो देंगे वो, फिर उसके बाद जाऊँगा फौज में। भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जॉगिंग। जॉगिंग? यार टांगे ऊपर आसमान की तरफ, सर नीचे रख के जॉगिंग कर रहे हो? भैया एक्सरसाइज हम इसी तरह। अच्छा कब से लटके हो? ये हो गए कोई 3 मिनट। 3 मिनट से लटके हो जी? उल्टी नहीं आ रही? नहीं। क्यों? क्योंकि हम रोज आते हैं इधर। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है हिमाक्ष। हिमाक्ष कहाँ रहते हो? पंचारी। पंचारी ये कहाँ पे पड़ा? ये उधमपुर से। उधमपुर से यहाँ लटकने आते हो? नहीं नहीं, हाँ वैसे हम श्री चौक। अच्छा ऐसे श्री चौक रहते हो? हाँ जी। अच्छा क्यों लटके हो? फौजी में जाना है। फौज में जाना है? हाँ जी। ये कहीं से सीखा या खुद ही? ये खुद ही सीखा। रोज आते थे हम, गर्मियों के टाइम सुबह आते थे। अच्छा तो अब सुबह ठंड होती है इसलिए हम रात को आते, शाम को आते हैं। स्कूल कहाँ पे है? स्कूल हमारा इधर ही रेजेंसी रोड के पास। और दोस्त? दोस्त मेरे एक इधर ही रहते हैं। वो भी लटकता है? हाँ जी वो भी लटकता है। हाँ। उसने भी फौज में जाना है? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ कैसा लग रहा है पीछे देखकर? पीछे लग रहा है उल्टा लग रहा है, दिख रहा है और बड़ी सही जगह लग रही है। अच्छा अभी थक तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं। कब तक रहोगे ऐसे ही? रख जाता हूँ भैया, हम तो बड़े बेकार हैं, हम तो कर रहे रहेंगे। तुम बता दो। 4 मिनट तक बस? 4 मिनट तक? हाँ जी। उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा अभी बाद में करेंगे, फिर बाद में, उसके बाद जैसे कल किया फिर क्या पता 5 मिनट तक हो जाए। अच्छा यानी कि आप रोज आते हो ट्रेनिंग करने? हाँ जी। और ख्वाहिश आपकी है कि आप फौज में जाने चाहिए? जी। आपने इस बच्चे को देखा आकिब आफ्ताब के साथ। बच्चे से मुलाकात इसलिए आपकी करा रहे हैं क्योंकि जो असाधारण चीज़ ये कर रहा है वो आपको और मुझे साधारण लग सकती है। हम इसमें बहुत सारे नुक्स भी निकालेंगे, हम कहेंगे जी जिमनास्ट होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, लेकिन ये कला और ये कैपेबिलिटी और ये काबिलियत इस बच्चे के अंदर है। अगर किसी अच्छे जिमनास्ट को ये नज़र आएगा, अगर किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर को ये बच्चा नज़र आता है, थोड़ी सी मेहनत इस बच्चे के ऊपर हो तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता। आइए मुलाकात कराते हैं। आपका नाम? हिमाक्ष कुमार। हिमाक्ष कुमार कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम असल के यहाँ पंचारी के गाँव के, और इधर रहते हैं शिदी चौक। शिदी चौक रोंदे? हाँ जी। ठीक है। पिताजी क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। घर में और कौन कौन है? घर में मेरे गांव में मेरे मम्मा हैं, दादी हैं, बहन हैं दो, और बस फैमिली है, और इधर मेरे सिर्फ डैडी रहते हैं। तो आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं? हाँ जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में जी। तो ये जो आप कर रहे थे ये कहाँ से सीखा है? ये मैं ऑटोमेटिकली खुद ही। खुद ही जी? ऑटोमेटिकली कैसे, मतलब कहाँ से आई ये? मतलब कला? मैं यूट्यूब के ऊपर देखा या यूट्यूब पे एक वो थी फीलिंग अपराउंड इंडियन आर्मी, बस वो वाली वीडियो देखी थी, थोड़ा थोड़ा उसी से। अच्छा क्या था? फीलिंग प्राउड अबाउट, फीलिंग प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी जंग, फीलिंग प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, यानी सेना से पूरी तरीके से प्रभावित है ये बच्चा और इंस्पायर्ड है। अच्छा तो फौज में जाने का इरादा है जी? फौजी बनने का इरादा है, देश के लिए लड़ाई लड़ने का इरादा है जी? पक्की बात है? पक्की। तो 12th करने के बाद NDA से के जरिए जाएंगे या फौज में भर्ती होंगे? नहीं पहले मैं पढ़ाई करूंगा जो आगे होती है, फिर उसके बाद मैं करूंगा ट्रेनिंग जो देंगे वो, फिर उसके बाद जाऊंगा फौज में। अच्छा पढ़ाई पहले पूरी करेंगे? हाँ फिर ट्रेनिंग करेंगे? हाँ जी। अच्छा मुझे बताना पढ़ाई में कैसे हो? मैं तो बहुत नालायक था, आप कैसे हो? मेरे 8th में आए थे 80% मार्क्स। 8th में 80% मार्क्स आए थे? तो 9th में इस कोरोना की वजह से कुछ अभी रिजल्ट का नहीं है, अब 10th के मुझे पेपर देने हैं। अच्छा अब आपने 10th के पेपर देने? हाँ जी। आप इस बच्चे का हुनर और आप इस बच्चे की काबिलियत, ज़रा थोड़ा उधर कैमरे की तरफ, इस बच्चे की काबिलियत देखिए कि इस बच्चे के पिताजी ऑटो चलाते हैं, इस बच्चे के अंदर हुनर क्या है वो आपने देख लिया, और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय सेना की वीडियोस देखकर ये बच्चा इतना इंस्पायर हुआ है, ये कहता कि मैं फौज में जाऊंगा, देश के लिए लड़ूंगा और देश की सुरक्षा में ये मैं ऐड कर रहा हूं, बलिदान दूंगा। अच्छा मुझे ये चीज़ भी बताइएगा कि उसके अलावा माँ बाप क्या चाहते हैं, वो क्या बनाना चाहते हैं आपको? मेरे माँ बाप ने मुझे कभी पूछा नहीं कि तू क्या बनना चाहता है, मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि आर्मी में जाऊँगा। खुद डिसीजन लिया है आर्मी में जाने का? हाँ जी। अच्छा और भी कोई घर में बड़ा भाई बहन? नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी 2 बहन है, एक है 4th में और एक 7th में। अच्छा आप सबसे बड़े हैं घर में, तो इसका मतलब वो कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है, आपके डैडी के बाद आप ही सब कुछ हैं जी। अच्छा तो पढ़ाई कहाँ तक करना चाहेंगे?
पढ़ाई मैं 12th के आगे भी पढ़ना चाहूँगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ क्या घर के हालात ऐसे हैं कि आप 12th के आगे पढ़ पाएंगे? नहीं इतनी इतनी है, हम पढ़ पाते हैं आगे। पढ़ पाते हो? हाँ, इतना गुजारा हो जाता है। हाँ जी। आपको काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं नहीं मेरे डैडी करते हैं काम। अच्छा हाँ जी। वो क्या कहते हैं डैडी आपके, आपको क्या कहते हैं? बोलते हैं कि पढ़ ले बच्चे तेरा कुछ बन जाएगा जिंदगी में। अच्छा। मैंने बोला हाँ डैडी पढ़ के ही दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। अच्छा। बोलते हैं हमारे तरह पहले हम चला लेते हैं ऑटो के, हमारा गुजारा हो जाता था, तब महंगाई बड़ी हो जाएगी, आपका कहाँ गुजारा होगा, पढ़ लेगा तो बन जाएगा कुछ। मैंने बोला ठीक है रेडी हो बिल्कुल। हाँ जी। ये डोगरी बोल लेने हो? हाँ जी। हाँ। अच्छा तो डोगरी में ये बात जरा सुनाओ, वो लोग जो बहुत सारे आपको सुनना चाहते हैं। डैडी क्या आखा रहे? मेरे डैडी आखा रहे कि मतलब तू क्या बनना चाहता? मैं क्या, मैं फौजी बनना चाहता। अहें मेहनत करना पौंदी बड़ी, महा कर लैगा महा मेहनत दिन रात। अहें पहले तू पढ़ाई करना पौनी 10वीं आई तो कोई शैल नंबर चाहिए। महा खरी महा पढ़ा दा गै बस। अच्छा लगा शैल नंबर आन के 10th? मैं सोचे दा 90% आई जाने, 80-85 तक। 80-85 तक आई जाने? ओ इन्नी बिल्कुल श्योरिटी है? ओ श्योरिटी। ये जरा तुम काम करा दे, एक कंटिन्यू रहना या बंद करना हुण? एक कंटिन्यू रहना, चाहे पेपर आउण या नहीं आउण, चाहे पेपर शामी पढ़ना पेपर वाले टाइम। हाँ? कंटिन्यू करना। रनिंग भी करनी कने कने? नहीं रनिंग गर्मी है जंदे, हुन सर्दी है, थोड़ा मौसम खराब है, ठंडे लू ये चला दी लू। जागता उम्र कितनी तेरी? हां जी। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 15 साल। 15 साल दी उम्र इना जज्बा है कि तू रनिंग भी करा ना ते कने कने ए जिमनास्टिक आखा दे, जिमनास्टिक भी करा। हां जी। क्योंकि मेरी थोड़ी यहां हाइट छोटी है ना, इस वास्ते थोड़े लंबा होना। तू पूरी कोशिश करा दा कि लंबा होना? हां जी लंबा होना। कितनी हाइट चाहिए दी? हाइट चाहिए मेरे ख्याल कोई 5.5 फुट 6। 5.5 फुट? हाँ जी। देखो जी क्या बात है इस बच्चे की, क्या कमाल का बच्चा हमें मिला है। 5.5 फुट हाइट है, ये इसके जहन में बैठ चुका है कि फौज में जाना है, इतनी हाइट चाहिए, ये फिजिक चाहिए, रनिंग चाहिए वहाँ पर, ये तमाम चीज़ें इसके जहन में हैं। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि एक मैं और आप जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे जहनों में ये होता है कोई IAS कर लें, कोई IPS कर लें, कोई मास्टर लग जाएं, कोई टीचर लग जाएं, कोई लेक्चरर लग जाएं, लेकिन एक ऑटो चालक का बच्चा मिला है और क्या हौसला और क्या हिम्मत है कि मुझे फौज में जाना है और देश की सेवा करनी है। अच्छा कोई ऐसा फौज का जनरल, कोई आर्मी ऑफिसर जो आपकी इंस्पिरेशन हो कि आप उसको कहते हो यार इसके जैसा बनना है मुझे, कुछ है ऐसा जहन में कोई किसी कोई नाम के नहीं? ना कोई दिमाग है ना, मैं बड़ा कोई लार्ज करना, मैं ना कोई सिंपल बनना, 2 स्टारियाँ 1 स्टारी इन्नी कोशिश है मेरी। 2 स्टारियाँ 1 स्टारी मतलब करना के फिर ओदे बाद बॉर्डर ऊपर जाना उठी। बॉर्डर ऊपर? हाँ जी। ओदे करना की बॉर्डर पर जाएगी ओदे हटना नहीं पीछे, जियां कोई हमला करे हटना नहीं, जियां कोई किश और कई करे, जियां बम सुट्टे देश दी पूरी सेवा। हाँ जी पूरी करनी, बाकी भी लोग मजाक उड़ान वो उनकी बखरी गल है, मगर सेवा पूरी करनी देश दी। लोग की मजाक उड़ान, लोग आखते कि ये भाई मोदी ने किश कबाड़ा करी ओड़े, इं ये लोकें नहीं पता कि नौकरी केह चीज होंगी, जेका करे उसी बंदे पता होंगे नौकरी बड़ी मुश्किल चीज। हाँ जी। हूँ पक्की गल फौज जाना, क्योंकि लाइफ टाइम वास्ते मैं इयै सोच लिया कि आर्मी च गै जाना। आर्मी च जाना? हाँ जी। अच्छा फौजी बनना? हाँ जी। ठीक है, मतलब देश की पूरी पूरी सेवा करनी है। हाँ जी। अच्छा मम्मी की आख? मम्मी मेरी हाउस वाइफ हैं, वो भी आखदी हैं कि पढ़ लेगा कुछ बन जाएगा। मैं ठीक हूँ। वो क्या आखदी के बनना चाहता? जिस वेला मैं घर आता वो रोंदियाँ बिच वहाँ। अच्छा वो की रोंदी? कि कहीं बन जाएगा तो घर मैं फौजी फूजी बनी वहाँ खरी। अच्छा और कुछ? और बस ये जो जाग तो दिखा दे, पूरी दुनिया देख रही है अब आपको, कुछ कहना चाहेंगे इनको? इनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने डोगरी जो गल करनी डोगरी, मैं हिंदी मिगी आंदी नहीं डोगरी। मैं तुसें सारे कहना चाहता कि कहीं पढ़ी आगे तो कुछ बनी आगे, हूँ मैं भी दिखा 10वीं के पेपर देने, मगर मैं पूरी मेहनत दिन बरात मेहनत करा दा, पूरी कोशिश करा दा कि मैं इन्ने % रह लिया, तो उस भी घर पढ़ो इं बैले ना फिरो बाहर, जां कोई जियां कोई किश कम होगा उपरा करोना लगदा इस वजह कन्नै तुस बाहर नहीं निकलो। कन्नै तुसें बड़ी गल सभनें कोला बड़ी गल, मास्क पाना चाहिदा, सैनिटाइजर कन्नै रखना चाहिदा, बाकी इस वेल्लै मौसम सर्दियां मौसम है, कपड़े ठीक ठाक होने चाहिए, ना कोई किश कमी होनी चाहिए। तुसें थुआढ़े माँ बाप पूरी कमी करा दे होने, ये पता पूरा, तुस ये सोचते असं बैड और दुद्धा गलास मिली जाता अस खुश होई जाते, जेका बाहर कम करता उसी पता चलता कि केह काम करता बाहर,
एक फेरा नहीं लगा था फिर आखिर अज कम घट हो जे कुछ होया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके जज्बात, इसके अल्फाज और इसके कमाल के हौसले को देखा होगा और इसका दिमाग जो है वो अपने आप में ये बताता है कि बहुत काबिल बच्चा है ये। एक ऑटो चालक का बच्चा, इतनी ज़बरदस्त सोच है इसकी, काश मेरी और आपकी ये सोच हो। ये उपदेश जो आखिर में इस बच्चे ने आपको दिया है, बहुत सारी बातें इस बच्चे ने आपको कही हैं, अगर आपकी समझ में ये बातें आ गईं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कामयाब होंगे। और हमारी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ और उम्मीद और तवक्का ये कि इसको हम फौज की वर्दी में एक दिन ज़रूर देखेंगे।